हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए रोमानिया के बारे में एक और नई वीडियो हम लोग लेके आ चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो उन बंदों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको रोमानिया काम करने जाना है, वहाँ सेटल होना है, वहाँ अपना फ्यूचर बनाना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे रोमानिया से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर करूँगा, साथ ही साथ आपको कुछ गुड न्यूज़ भी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो रोमानियाई गवर्नमेंट है उसने वहाँ न्यू सैलरी स्केल लागू कर दी है। दोस्तों, जो बंदे वर्कर्स जो भी कंपनी में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उधर कॉन्ट्रैक्ट पे या नॉर्मल भी काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है 2022 में वो सैलरी थी 2550 रोमानिया करेंसी के अंदर 2550। लेकिन अब न्यू सैलरी स्केल लगा के जो वो सैलरी है वो 3000 रोमानिया करेंसी के अंदर बन चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 500 का इंक्रीज़ रोमानिया गवर्नमेंट ने किया है। दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जो वर्कर्स उधर सैलरी अच्छी भी है, अब जो बंदे उधर न्यू जाएंगे काम करने के लिए उनके लिए भी बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये सैलरी होती है, कुछ कंपनियाँ ऐसे करती हैं कि अपने वर्कर्स से कागजी तौर पर साइन करा लेती हैं, लेकिन उनको उतनी सैलरी नहीं देती हैं। यानी कागजी तौर पर उनसे साइन करा लेते हैं कि हम आपको 3000 पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पुरानी सैलरी ही दी जाती है। एक कंपनी ऐसा इसलिए कर, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनका ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने जो वर्कर्स होते हैं, अपने इम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको घट तो घट सैलरी देते हैं। तो इस करके कंपनी करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ दी कंपनीज ऐसे नहीं होते, कुछ गिनी चुनी कंपनी ही होती हैं जो ऐसे अपने वर्कर्स को करती हैं ट्रीट। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, रोमानिया में ऐसा कुछ सैलरी सिस्टम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट्स की। तो अपडेट्स हमारे पास ये आती है कि जो बंदे रोमानिया के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, यानी जो बंदे रोमानिया के अंदर नहीं जाएंगे, उनके लिए एक एडवाइस है कि जहाँ पे भी वो काम करेंगे, जहाँ पे भी वो अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए एक एडवाइस है कि वो अपनी कंपनी को लीव ना करें, अपना काम ना छोड़ें। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रोमानिया के अंदर सारा सिस्टम चलता है वो चलता है आईडी के ऊपर, और जो आईडी बनने का प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो चुका है रोमानिया के अंदर। 3 नवंबर 2022 से जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने लेटर रिलीज़ किया है, उसके हिसाब से अगर कोई बंदा, कोई वर्कर रोमानिया के अंदर कंपनी में काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो बिना अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए 2-3 महीने में जॉब को लीव कर देता है, जॉब को छोड़ देता है, तो उसकी जो उनसी न्यू आईडी है वो नहीं बनती है, और पीसीसी के भी पंगे बहुत सारे पड़ सकते हैं। लेकिन 3 नवंबर 2022 से पहले आपकी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता था, आपकी नॉर्मल इंडिया की पीसीसी लगती थी और कोई भी रिलीज लेटर आपसे कंपनी नहीं मांगती थी। बट अब टोटली चेंज हो चुका है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कंपनी को छोड़ा तो आपकी जो न्यू आईडी है वो नहीं बनेगी। और अगर आपकी एक बार न्यू आईडी बन जाती है, जिनसे पहली आईडी आपकी बनती है, जिस कंपनी से आप जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद आपके रोमानिया के अंदर स्टे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पहली आईडी नहीं बनवा पाते हो या किसी भी टाइप से आप अपनी जॉब को लीव कर देते हो, तो आपको थोड़ा रिस्क हो सकता है, आपको इमिग्रेशन से भी लेटर आ सकता है कि आप 15 दिन में ही अपनी कंट्री वापस जाओ, आपको स्टे करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी मेरे भाई है जेड़े रोमानिया के अंदर रोमानिया देविच काम करने जाएंगे, उनके लिए एक एडवाइस है कि अपना जॉब को ना छोड़ें। उसके बाद हम बात करते हैं हम अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है रोमानिया के टीआरसी कार्ड के बारे में। सोस्त रोमानिया के टीआरसी कार्ड के बारे में अपडेट यह है कि रोमानिया के टीआरसी कार्ड भी एक टाइप से आईडी होती है। उसमें 2023 दे विच यह अपडेट है कि उस आईडी के ऊपर आप कौन कौन सी कंट्री जा सकते हो। यह लेटर ऑफिशियल भी पोस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सोस्त जिसमें कुछ चेंज है कि आप रोमानियन आईडी से क्रोशिया विजिट नहीं कर सकते हो। अगर आपको क्रोशिया जाना है तो उसके लिए आपको शेंगन वीज़ा लगवाना पड़ेगा। यह सिर्फ उनके लिए है जिनके पास टीआरसी कार्ड है, और जो बंदे उधर पक्के हैं ऑलरेडी, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी विज़िट कर सकते हैं इजीली। बट टीआरसी कार्ड के ऊपर आप 3 कंट्री विज़िट कर सकते हो, जो कि है, पहली है सर्बिया, दूसरी है बुल्गारिया, तीसरी है साइप्रस। ये 3 कंट्री है जिसमें आप विज़िट कर सकते हो टीआरसी कार्ड के ऊपर, यानी रोमानियन आईडी के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि आईडी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है रोमानिया के अंदर, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जिस कंपनी में आप सबसे पहले जॉब करोगे रोमानिया में जाते ही, उस कंपनी में काम करते करते आपको अपनी पहली आईडी बनवानी है।
तभी आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं उधर स्टे करने के, उधर आपका फ्यूचर सेफ हाथों में आ जाता है अगर आपकी पहली आईडी उसी कंपनी से बन जाती है जिस कंपनी में आप सबसे पहले जॉब करते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ अपडेट्स, उम्मीद आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको 100% दूंगा, आपके हर डाउट का सॉल्विंग आपको कमेंट में मिलेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।